हमारा ये पुराना कैंपस जो छत पे है काफ़ी काला हो चुका है बारिश के वजह से। यहाँ थोड़ा बहुत काई जम जाता है तो इस वजह से पेंट हमें करना ज़रूरी होता है। हालांकि अभी तो फ़िलहाल पेंट की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये और भी खूबसूरत हो जाए। और चूंकि मेरे पास कुछ रंग भी बचे हुए हैं सो मैं चाहता हूँ कि उस रंगों का यूटिलाइज़ किया जा सके। अभी देख रहे हैं कैसा लग रहा है और कलर के बाद आपको कैसा लगेगा। सो चलिए काम शुरू करते हैं। 2 साल 3 साल पुराना पेंट है, जब मेरा घर पेंट हुआ था तभी का ये पेंट बचा हुआ है, जो मैं आज देखा हूँ कि काफ़ी पेंट बचे हुए हैं और मे भी ख़राब भी हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, छत पे कैंपस को रंगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 2 साल 3 साल भी चलता है तो कोई बात नहीं है, फ़िलहाल 2 साल 3 साल के लिए तो खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए मैं कैसे इस काम को पूरा करता हूँ। इतने रंग में काम नहीं चलेगा सो मैं एक बाल्टी पानी भरकर और इसमें सबको मिक्स कर दूंगा ताकि इसकी क्वांटिटी बढ़ सके। अब मैं इस दोनों को इसमें मिक्स करने जा रहा हूँ। ऐसे इसमें मिक्स कर दिए पहले, रंग काफ़ी अभी भी गाढ़ा है, ऐसे 2-3 बाल्टी बन सकता है। इसको अच्छी तरह से मिलाएं ताकि ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाए और समान मात्रा में जो है कलर हो सके दीवारों पे। और आपको एक बस ब्रश चाहिए, ये ब्रश मैं नया अभी नहीं ख़रीदा, ये काफ़ी पुराना ब्रश है, यूज़ किया हुआ ब्रश है, इससे ही मैं यूज़ करके आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पेंट आपको थोड़ा ही लेना है, ऐसे पूरा नहीं डुबाना है, बस थोड़ा ही थोड़ा। अगर डुबा भी दिए हैं तो इसे अच्छी तरह से ऐसे करके गाड़ लिया करें और दीवार पे आप इसे रंग सकते हैं, थोड़े थोड़े करके ही आगे बढ़ते जाएं। ऐसे थोड़ा सा डुबाएं, इससे ये होगा कि कलर जो है बर्बाद नहीं होगा, ना ही नीचे ज़्यादा गिरेगा। थोड़ा काम ये टफ है बट होने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखेगा ये। पूरा कर चुका हूँ कलर, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। इस पूरे बाउंड्री को रंगने में थोड़ा टाइम लगेगा बट पेशेंस रखिए, बनने के बाद कलर होने के बाद और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ऐसा आप भी अपने यहाँ छतों पे कर सकते हैं अगर इस चीज़ में रुचि हो तो, डेकोरेशन के बारे में। सो देखिए और ख़ुद को भी छोटे छोटे घर के डेकोरेशन के लिए अपने आप को प्रेरित करें। हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, आपके अंदर भी हुनर होते हैं, बस उसे पहचानना ज़रूरी होता है। हालांकि ये ज़रूरी तो नहीं कि इसे पेंट करना
बट अगर मैं कम एक्सपेंसेस में ही इसे अच्छा कर सकूं तो ये एक कला है और कम एक्सपेंसेस के लिए भी बेहतर है, क्योंकि कम खर्चे में मैं अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बना पाऊंगा। मौसम भी अभी फ़िलहाल ठंडा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, इस वजह से कोई समस्या नहीं होगी। जब भी मौसम देख लें, अगर अच्छा है तो ही ऐसे काम करें, ताकि आपके सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ज़्यादा धूप में इसे करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको या हमें इस चीज़ की आदत नहीं है, ये तो बस अपने शौक के लिए आदमी इसे कर रहा है। जो पहले ठीक नहीं दिख रहा था, लेकिन देख सकते हैं अब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी इसका कलर खिलेगा नहीं, क्योंकि अभी इसका कलर थोड़ा सूख जाने के बाद और धूप लगेगा तो इसका कलर और भी लाइट हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत लगने लगेगा। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा है और कलर या आप परचेस कर सकें, या फिर आपके यहाँ ऑलरेडी हो तो आप उस कलर का यूटिलाइज कर सकते हैं छोटे से ब्रश के साथ। नाउ फिनिश दिस होल एरिया कलर्ड बाय मी। आई थिंक मोर ग्रेसफुल नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियोज। मेनी मेनी थैंक्स।